हेलो नमस्कार, मैं राखी लाठियान और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। मैं आपको एक बात बोल लूँ, देखो मानता तो कोई भी नहीं, मैं भी नहीं मानती, लेकिन बोल लूँ भाई। आप फोन जो गलत चीज़ें हैं, गलत संगति है और गलत काम है भैया। देखो भाई, करते तो सभी हैं, देखो लगभग लगभग भाई, अब इतना हो गया, पीना खाना भी लगभग लगभग अधिकतर 90% चल रहा है। और फोन भी कोई 1% या 2% ही बच रहे होंगे, 98% फोन है सबके पास। बच्चे हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, तो ये मान लो आप सबके ही पास हैं। तो मैं आपको बोल लूँगी, किसी भी चीज़ की लत ना लगाओ, बस आदत ना डालो। आप कोई भी कार्य करो वही, लेकिन लत बहुत ज़्यादा गलत है। लत नहीं लगने देनी, आदत नहीं लगने देनी। उस चीज़ का इतना ही यूज करो कि हमें लत ना लगे और आदत ना, हम उस चीज़ के आदि ना हो और आदत ना डालें। बस आपकी ये बात समझनी, फिर आप किसी के काबू में आने के नहीं। तो आप कोई भी काम हो भाई, कोई भी चीज़ हो, बस उस हमें ये दिखा कि भाई हम इतने लेवल तक चले गए कि लत लगने की, आदत पड़ने की है, तो भाई थोड़ा डाउन मार दो उसी टाइम। कोशिश करो, चाहे दुख भरो या थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो किसी भी तरह। देखो अब बहुत से इतना नशा वगैरह हो रहा बहुत ज़्यादा है, फिर भाई लाइफ ख़त्म है। जो ये इन चीज़ों में एक बार आदि हो गया, लत हो गया, जीवन ख़त्म हो गया। और मैं कह रही हूँ, कोई भी चीज़ हो अति गलत है, अधिक ज़्यादा हो जा, मैं कहा थोड़े में ही मज़ा है, ज़्यादा खराब हो जा कोई भी चीज़ हो तो ज़्यादा की कोशिश ना करो। मैं पहले भी बता चुकी किसी भी चीज़ में, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी भैया, फ़ोन ही है। बच्चे हों, बड़े हों, भैया मैं भी हूँ भाई, सब परिवार, हर आदमी फ़ोन है, लेकिन इतना रखो कि भैया हाँ, मैं 2-4 दिन फ़ोन के बिना रह सकूँ, मैं 2-4 घंटे फ़ोन के बिना रह सकूँ। इतना लत और इतना दिमाग बिल्कुल इसके संपर्क में मत लाओ कि भाई इससे हट तो ही और हमारा दिमाग ख़राब हो जा। फ़ोन ने मेरे ख्याल से तो कोई एक यूजुअल चीज़ है, बहुत अच्छी है चीज़, या काम आने वाली भी है भाई। इससे ज्ञान, हम मैं आज यहाँ आऊँ भाई, ज्ञान लेना देना इससे बहुत ज़्यादा वो है। कोई भी चीज़ कार्य को, अपने टैलेंट को हम इससे दिखा पा रहे, बहुत यूजुअल चीज़ है, लेकिन कुछ परसेंट तक यो गलत भी है। गलत इन फ्यूचर जो बच्चों का बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, और भैया 20-30% तो घर भी बर्बाद हो गए इन फ़ोनों के चक्कर में। आप बोलोगे कैसे है? एक तो छोटे छोटे बच्चे भी भैया गोद में तो कोई रखता नहीं, जा खिलाना भी नहीं रहा, टोटल फ़ोन चल रहे हैं। अब तो भाई वे भी अपना काम के चक्कर में फ़ोन दे दें, देखो बहुत गलत बात है। फ़ोन मत दो, कोई खिलौना ले आओ, मार्केट में 1,000 खिलौने हैं। मैं देखो ये बात कहूँगी, मार्केट में 1,000 खिलौने हैं, खिलौने दो उनसे खिलाओ, लेकिन फ़ोन के आदि अपने बच्चों को ना बनाओ। जो छोटे बच्चे हैं 2-4 साल के, 3 साल से लेके भाई 4-5 साल, 6 साल, जिन्हें बस कार्टून वगैरह देख रहे, तो भाई ऐसा ना करो। और मैं यही बात कहना चाहूँगी आपको कि भाई बच्चों को दूर रखे इससे। अब हमें पता नहीं चलने का, लेकिन 10 साल बाद जब उनकी आंखों का तौर ख़त्म हो जाएगा, दिक्कत आवेगी, उनके डिप्रेशन बढ़ेगा, सिर में दर्द होने लगेगा। देखो कोई भी चीज़ हो प्रभाव गिरती है, ये 5G 4G चल रहे हैं भैया, इतना इतना प्रभाव पड़ रहा है इन सब बहुत ज़्यादा। इस बात को समझो, मैं ये बात कहना चाहूँगी, तो भाई इस बात को समझो ज़रूर से ज़्यादा। देखो और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी भाई, इसका यूजुअल ही करो। क्या बात हो रही कि हर घर में फ़ोन है, इसने 30% घर बर्बाद कर दिए। किस तरह
ससुराल में चली गई लड़की, भाई मैं भी लड़की हूँ, मैं भी समझू क्या होगा। एक एक मिनट की बात उधर है, एक एक मिनट की बात इधर। तो हर चीज नहीं हो करती, थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी करना पड़ा है भाई। हर चीज़ ससुराल तो ससुराल ही है, देखो वहाँ अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन हर चीज़ नहीं। मम्मी ये बोल दिया वो बोल दिया, नहीं नू एन डिप्रेशन बनाया, दिमाग खराब हो, आधे घर बर्बाद हो गए। हिला मतलब फोन में लगे रहेंगे, दूसरा बंदा काम बतावेगा, दिक्कत बनेगी, लड़ाई होगी। टाइम से इसका यूजुअल करो, देखो यूज करो जहाँ आपको फोन करना, जिसके साथ आपका मन करे, लेकिन टाइम से करो, इतना ना करो कि भाई ज्यादा हो। दूसरी बात, एक नशा हो कोई भी चीज हो भाई, मैं बताऊंगी इतना हद करो बस कि भाई हम उस चीज को कभी भी छोड़ सकें, इतनी लत ना लगाओ कि हम छोड़ ना सकें। एक गुरु और चेला जा रहे थे भाई, मैं भी सुनू जाऊं। तो चेला आगे था, गुरु पीछे। तो चेले एक पेड़ आया छोटा सा, उसने बोला भाई इसे पैर दो, उन्हें पैर दिया, फिर आगे चला। फिर उसने कहा भाई ये उसका थोड़ा सा बड़ा था, ये भी फाड़ दिया, उसने फाड़ दिया। फिर थोड़ा आगे चला तो इतना बड़ा और था, उसने वो भी फाड़ दिया। तो आगे बहुत बड़ा पेड़ था, उसने बोला ये भी फाड़ था, क्या लगे जी ये नहीं पड़ने की। तो भाई जिस चीज़ की जड़ जम जगी ना, और जब जड़ जमावड़ा हो जाएगा, आपके बस में नहीं है कि आप उसे निकाल दोगे या फाड़ दोगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इतना ही रखें कि हम उसे किसी भी टाइम निकाल दें, देखो गंदी आदत को। और फ़ोन से थोड़ा अलग रह के, थोड़ा साइड में रह के, एक घंटा अपने दिमाग को शांति से महसूस करें, हम क्या कर रहे हैं, क्या गलत है हमारे लिए, क्या हमारे बच्चे कर रहे हैं, क्या नहीं। थोड़ा सा शाम के टाइम देखो, एक घंटा तो ज़रूर दो, एक घंटा बिल्कुल अलग रख दो, स्विच ऑफ बंद कर दो, किसी का आओ यार ना आओ कुछ भी हो, एक घंटा शाम को सुबह आप। और जो एक आध दिन बिल्कुल अलग रख कर देख लो भाई, फ़ोन या आज उठाना नहीं, आज पूरा दिन फ्रेश रहना, पूरा दिन और ही अलग ही माहौल में अपना अलग ही करना, तो भाई देखियो आप बिल्कुल एकदम शांति मिलेगी आपको, दिमाग में के ना सभी नहीं चैन तस होगे। एक दिन बिल्कुल अलग स्विच ऑफ करके दो रख दो आज की, भाई फ़ोन नहीं उठाना। तो मैं तो यही कहूँगी भाई, देखो थोड़ा सा सब नहीं तो कुछ इनसे अच्छा ही रहेगा, देखो शांति मिलेगी, अच्छा ही है भैया। मैं ये बोलूँगी कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को भाई मैं मना करती हूँ, देखो मैं भी फ़ोन ले रही हूँ, मेरे हमारे भी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन मैं अधिकतर बहुत कम कोशिश करूँ कि ना दूँ। और बहुत खिलौने हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं या भाई, उनकी साथ खेल लो हंसो, या हाथ बाहर जा बच्चों में भेजो, लेकिन फ़ोन से उन्हें बचाओ, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। आगे जाके भाई उनके दिमाग में वही फंसेगी, वे जल्द देखेंगे, और छोटे छोटे बच्चे हैं इतने आदि हो रहे, फ़ोन नहीं मिलने का तो सर रात रो देंगे। तो भाई ऐसा ना बनाओ उन्हें, इतना आदि ना करो। तो मैं आपको यही कहना चाह रही, तो किसी भी चीज़ के आदि ना हो, और अच्छी चीज़ों के आदि हो, सुबह उठने के आदि हो, काम करने के आदि हो, इन चीज़ों के आदि हो, तो वही हमें भी है भाई फायदा है तारा। इस चीज़ के आदि हो तो फायदा हो, इस चीज़ का आदि हो जिस चीज़ से हमें फ़ायदा हो, उस चीज़ का आदि होने में फ़ायदा है भाई। हमें किसी चीज़ को हमें दिख रहा है, इस चीज़ का हम आदि हो जाएंगे और हमें इससे फ़ायदा मिलेगा, तो भाई उस चीज़ के आदि हो, उस चीज़ के आदि ना हो। जिस चीज़ से हमें नुकसान हो, तो भाई नुकसान का आदि होना नरक हो जाएगा, जीवन आपका बहुत ख़राब है। कोई भी चीज़ हो, आप समझदार हैं भाई सभी, तो गलत है। फ़ोन भी नशा वगैरह कर रहे हैं आजकल भैया, मैंने कहूँगी इतनी बुरी है, उसकी वैल्यू आदमी की ख़त्म हो जाती है जो इन चीज़ों में बढ़ जाता है। कोई सोचता हो कि भाई ना, तो उसकी मतलब आजकल बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह चल रही है, तो मैं बता दूँ आपको भाई ज़िंदगी में बहुत संघर्ष तो हुए, लेकिन इस चीज़ का भी बहुत वो है, क्योंकि मेरे पापा भी कर लेते थे, और वे इसी दौरान फिर बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा था उन्हें भी, उन्होंने कभी इतना काम वाम नहीं करा, तो आदि थे मैं, आज मैं बोल दूँ आपको, इस वजह से मैं फिर बीमार हो गए, और आज हमारी स्थिति है। तो भैया
बच्चों की भी लाइफ खराब है, आपकी वाइफ की भी लाइफ खराब है। और हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगी भैया, रहन जत्ता तो कम से कम करने की कोशिश करे। इतना गलत है ये चीज़, इतनी गलत है ये चीज़, बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी वैल्यू नहीं रहती, एक सोसाइटी में वैल्यू होती है ना इंसान की, भाई हाँ ये है भाई, अच्छा आदमी है, चलो कर लेते हैं। लेकिन इतना नहीं कि भाई वैल्यू ख़त्म हो जा, अपने परिवार में वैल्यू ख़त्म हो जाती है, ये तो पिता है ऐसा है, बच्चे भी चल उल्टा सुद्धा हो जाते हैं जी, वैसा हो जाता है सोसाइटी में, अरे ये तो पीने वाला है भाई, बगल रहो इससे। कोई बैठना भी पसंद नहीं करता या बुलाना भी पसंद नहीं करता, तो भाई ऐसा काम ना करा कि अपनी वैल्यू है जो हम यहाँ ज़िंदगी में वैल्यू कुछ तो उसे ना ख़त्म करें, और उसे कम से कम कोशिश करें, इतना ना करें कि भाई समाज को सोसाइटी को बुरा लगे, गंदा लगे, और हमारी वैल्यू पर प्रभाव पड़े, और हमारे परिवार में हमारे परिवार पे भी प्रभाव पड़े। तो यही है कि भाई, और फ़ोन का भी भाई यूजुअल ही यूज करें, मतलब जहाँ में ज़रूरत है ज़्यादा वहाँ यूज करें, ज़्यादा ना करें। हम फ्री हैं तो कुछ अपने दिमाग में सोचो, किसी से बात करो, अपने मम्मी पापा से बात करो, अपने दोस्त से बात करो, किसी को समझो, किसी को समझाओ, काम करो। लेकिन हद से ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप एक दिन रह कर देखो। देखो मैं तो यही बोलूँगी भैया, ठीक है जी, धन्यवाद। अब मैं अपना खेत का काम कर लूँ, बुरी लगी होगी तो सॉरी, बस जो देख रही फ़िलहाल वही बता रही आपको, जो समझ रही तो, और आपकी मर्जी है। इतनी बड़ी तो मैं हूँ नहीं, सबकी बेटी या बहन छोटी, तो भाई माफ़ कर दियो, यही है बस। भैया मैं बोलती हूँ गलत, ये बहुत ज़्यादा है, बच्चों बच्चों को ना दे, मैं छोटों को ना खिलौने लिया, मैं मार्केट में बहुत खिलौने हैं, एक से एक खिलौने हैं, लेकिन छोटे बच्चों को फ़ोन ना दे, मैं इनका आदि ना करें बीते ही। भैया बहुत ज़्यादा प्रभाव गिर रहा इनके दिमाग पे भी, आप 5G तरंगे समझ नहीं रहे, हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ये बहुत नुकसान की चीज़ है, बहुत ज़्यादा है। और आगे बीमारी इस वजह से भैया बढ़ती जा रही, तो थोड़ा सा ऐसा करें कि भाई थोड़ा जहाँ तक यूज है, और फ़ोन बस कम से कम यूज करें। और भाई बहुत से परिवार बर्बाद हो गए इन फ़ोनों के चक्कर में, रोज़ रेड रहे, तो मैं कहती हूँ अपना काम कुम करके जी फ़ोन कर ले करो, नहीं लड़ाई बजती होगी घर में रोज़, ठीक है, और वहाँ लगी रहे वहाँ लगी रहे। तो मैं यही बोलूँगी कि अपना काम वाम करके, अपना थोड़ा फुर्सत में अपना, कोई बात नहीं भाई, कर लो देख लो, लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है जी।